पोषण आहार के प्रति जागरूक करने 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। ग्वालियर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विविध जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। स्वास्थ्य सभी के लिए अति आवश्यक है और प्रत्येक नागरिक के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। कुपोषण को दूर करने के साथ बेहतर पोषण और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए साल के सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्वालियर जिले में गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को पोषण संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूक करने आंगनवाड़ियों में पोषण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे हितग्राही महिलाएं काफी खुश हैं। उनका मानना है कि उन्हें जो जानकारी और सहायता मिल रही है वह उनके और उनके परिवार को स्वस्थ रखने में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहले मैडम ने हमें एनीमिया के बारे में बताया, जिससे बच्चों में जो खून की कमी आती है, बच्चों को हम सही से पोषण आहार नहीं दे पाते हैं, खाने में क्या चीज़ें सही है क्या नहीं है, ये सब की जानकारी नहीं थी। लेकिन हमें आंगनवाड़ी आने से बहुत सारी जानकारी मिली, अपने बच्चे को किस समय हमको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए और किससे बच्चे हेल्दी बनते हैं। और हमें वजन के बारे में भी बताया, हर महीने बच्चों को वजन करवाना चाहिए, इससे बच्चों की ग्रोथ का पता चलता है। बच्चों के जो एनीमिया है, उनके खून की कमी है, उनका कम वजन है या वो कुपोषित हो रहे हैं, इस बारे में भी हमें पता चलता है। इसमें हमें बहुत सी जानकारियाँ मिल रही हैं, जैसे बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग और बच्चों में वजन वजन के विषय में और उनमें एनीमिक वगैरह है, तो यहाँ से बहुत सी चीज़ प्रोवाइड वगैरह होती है हमको, जैसे कि पैकेट्स वगैरह मिलते हैं हमें, जैसे खिचड़ी बाल आहार वगैरह, जिससे बच्चों को हम उसको ना खिलाते हैं, जिससे बच्चों में ना ग्रोथ होता है और उसको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से खिलाते हैं। जैसे बच्चा कमज़ोर है तो उसको उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा दी जाती है, तो इससे हमारा बच्चा सही है। जैसे अभी पोषण माह चल रहा है, इसमें पोषण के बारे में बता रही हैं मैडम, बच्चों की हाइट वेट भी करती हैं, उससे भी हमें जानकारी देती हैं कि आपका बच्चा किस तरह से अभी सेम में या मैम में, मतलब किस अवस्था में, ये सारी जानकारी बताती हैं। और मंगल दिवस के बारे में भी बताती हैं, उसमें हमको पोषण आहार दिया जाता है, उसमें पैकेट रहते हैं खिचड़ी का और उसका। नहीं, पहले की अपेक्षा काफ़ी फ़ायदा है, हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं और यहाँ से आके हमें ये भी पता चल रहा है कि सरकार द्वारा जो नई नई योजनाएं चालू लागू की जा रही हैं वो आंगनवाड़ी से हमको बताया जाता है, तो यहाँ पे आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। महिला एवं बाल विकास अधिकारियों का कहना है कि पोषण मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आंगनवाड़ियों में शिविर लगाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी सहित उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसका उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आहार प्रथाओं में सुधार करना तथा बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित कमजोर समूहों के बीच कुपोषण से निपटना है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, PHE, खाद्य विभाग, सारे विभाग मिल के बच्चों और महिलाओं के पोषण को लेकर कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन गतिविधियां हम लोगों के साथ मिल बैठ के करते हैं। उस गतिविधियों में कुछ विषय लेते हैं, जैसे कि महिलाओं में, बच्चियों में एनीमिया को दूर करना है, बच्चों में कुपोषण को दूर करना है, अन्य ऐसी चीज़ें, पौष्टिक आहार कैसे लेना है, प्रतिदिन के खाने में हम क्या क्या शामिल करें कि हमारे आहार में वृद्धि हो और हमारे बच्चे स्वस्थ और पोषित रहें। तो ऐसे प्रतिदिन की सभी विभागों के साथ मिलकर हमको गतिविधियां कर रहे हैं। प्रतिदिन गतिविधियों की एंट्री भी भारत सरकार के जन आंदोलन पोर्टल में की जा रही है। मैं पूरे महीने तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमारे जो है तरह तरह की एक्टिविटियाँ चलती हैं, तो इन एक्टिविटी को इस वर्ष जो है वो साप्ताहिक रखा गया है। जो है वो पोषण माह के कार्यक्रम को 4 भागों में जो है साप्ताहिक, मतलब थीम इसकी रखी गई। तो इसमें पहला जो है वो पहले सप्ताह में एनीमिया पर जानकारी जो है क्षेत्र में दी गई, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर जो एनीमिया की जांच की गई, जिसमें महिलाओं की, बच्चों की टीकाकरण सेशन में, और इनको जो है आयरन अनुपूरक खाद्य पदार्थ और आयरन की जो दवा रहती है तो वो सबको जो है वो वितरित की गई।
और दूसरे सप्ताह में जो है वृद्धि निगरानी दूसरे सप्ताह की थीम थी, तो वृद्धि निगरानी पर जो है हम जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चों का वजन कर रहे हैं तो और उसकी उपयोगिता लोगों को समझा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण को लेकर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण मिल सके और वे देश के विकास में अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News भोपाल।